गुड मॉर्निंग राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? शतरूप ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और सुबह का टाइम है, पूजा पाठ हो गई है और सब्जी वगैरह भी मेरी बनने के लिए रख दी थी। आटा वगैरह सब कुछ लगा करके रख दिया है। जो सुबह की झाड़ू होती है वो तो मैं पूजा करने से पहले ही मतलब लगा देती हूँ। और यहीं नीसू भी उठ करके बैठ गई, इनके ताने, और गोलू भी उठ करके बैठ गया। और क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम है इसलिए गोलू को भी उठा दिया और रुद्र को भी उठा दिया था। रक्षित उठानी है, रक्षित को नींद आ रही थी इस वजह से, और रक्षित को भी अब उठाऊँगी। और यहीं ताने दिखा रही थी मेहंदी, इधर मैं मम्मी की मेहंदी देख रही थी। मम्मी दवाई लेकर के सोती हैं तो इस वजह से है ना मम्मी को नींद ज़्यादा आती है। देखिए बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है अभी, हल्का हल्का दिन मतलब हल्का हल्का रोशनी दिखाई दे रही है और काफ़ी अंधेरा है। आटा लगा करके रख दिया था, सब्जी बनाने के लिए रख दी है इंडक्शन पर। मेहंदी दिखाना, ओहो मेहंदी दिखाओ, खाना। अरे वाह, मेहंदी है। किसने लगाई निशु? बुआ जी ने? बोलो बुआ जी, किसने लगाई थी? बुआ जी, दादी जी दिख रही है? दादी जी दिख रही है? कहाँ है दादी जी? बोलो, तुझे ही देख रही हूँ मैं। टाइम हो रहा है, सीधे बैठ के कर ले काम। आ दो, आप भी उठ जाओ। लाओ मैं खाना, लंच पैक कर लूँ। और यही मैंने चने और मटर, थोड़ी सी मटर रखी थी वो चने में डाल दी थी, तो वो बस बॉईल करके और मैंने अच्छे से मतलब प्याज हरी मिर्च वगैरह टमाटर डाल के फ्राई कर लिए हैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी थी और रक्षित के लिए एक पराठा बना दिया था। काम से फ्री होने के बाद मैं ले जाऊँगी। Thank you.
और मंदिर से आने के बाद मैंने यहाँ कटोरी में चने ले लिए थे और चाय बना ली थी थोड़ी सी, और बस यहाँ चाय रखी है, चने के साथ में चाय पिएंगे। आ जाइए आप सब भी, गरम गरम चाय और हमारे साथ में चने का ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ये टाइम है शाम का, करीब 4:30 का टाइम है और बारिश हो रही थी, और बारिश जो है ना पड़ने के बाद में बंद हो गई थी, और यहाँ मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था। ये मेरे लड्डू। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, कैसे हो आप? उषा तर्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। शाम का टाइम है, 6:20 का टाइम हो रहा है। मेरे लड्डू गोपाल जी देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं ना, ग्रीन वाली पोशाक में, ग्रीन कलर इन पर ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये वाली पोशाक मैंने अपने हाथों से बनाई थी, मैंने अपने लड्डू बड़े वाले लड्डू गोपाल जी के लिए। तो ये वाली पोशाक देखिए, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं क्लियर, ये वाली पोशाक मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए अपने हाथों से बनाई थी, काफ़ी टाइम हो गया। और भी बनाने के लिए ना मैंने नेट वगैरह सब कुछ रख ली थी, अभी भी रखी हुई हैं, पर टाइम नहीं मिल पाता इस वजह से नहीं मेरा बनाना हो रहा है। और मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं मार्केट में गई थी पापा जी के लिए माला लेने के लिए, तो मैं आपको उस टाइम पे नहीं दिखा पाई थी, इसलिए मैं अब दिखा देती हूँ। तो मैं पापा जी के लिए पापा जी के फ़ोटो के लिए ना मैं ये वाली माला लेकर के आई थी। आप बताना कैसी लग रही है आपको माला, तो बहुत सारी थी उनके पास में, पर ये वाली माला है ना मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी। देखिए इस तरीके से है, तो ये वाली माला ना मुझे बहुत अच्छी लगी थी और सब मालाओं से सुंदर लगी थी ये माला मुझे, तो इस वजह से है ना मैं ये वाली माला लेकर के आई थी। और कल मैं मंदिर भी गई थी ना, मंदिर तो अब डेली जा रही हूँ 2-3 दिन से। मैंने आपको बताया था अपने लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने राधा वाली माला ली है, तुलसी की माला ली है जिसपे राधे राधे लिखा हुआ है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मैंने ली है, और अपने लिए कड़े भी लेकर के आई थी जो कि मैंने आपको बता दिया है मुझे बहुत शौक है चूड़ी कड़े इन चीज़ों का। तो मैं तुलसी वाली माला दिखाती हूँ आपको, कहाँ गई ये देखिए, ये है राधा राधा लेकर राधा, ये है मेरे लड्डू गोपाल जी की। ये बड़े वालों के लिए, छोटी वालों के लिए है ना ये बहुत बड़ा साइज रहेगा, इसलिए ना छोटे वालों के लिए मैं लेकर के नहीं आई थी, इससे छोटा साइज कम से कम इतना साइज चाहिए, छोटा ही चाहिए, इतना साइज चाहिए छोटा, तो मैं सोच रही छोटा मिलेगा। मैंने पूछा था, मना कर दिया कि नहीं हमारे पास बस यही साइज है और इससे बड़ा है, पर इससे भी छोटे साइज आते हैं, तो मुझे जब भी इससे छोटा साइज मिल जाएगा ना इस वाली माला से, तो मैं अपने छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए भी लेकर के आऊँगी। और मैं अपने कंगन भी दिखा देती हूँ, जो 2 जोड़ी लेकर के आई थी इस तरीके से लेकर के आई थी, मैं एक आपको खोल करके दिखा देती हूँ, लाई हूँ रेड कलर ही पर इस तरीके से। ये जो डिजाइन है ना ये कंगन के नीचे है, ऊपर को ये लेमिनेशन हो रहे हैं, ये ख़राब नहीं होएंगे, बहुत प्यारा डिजाइन है इनका इस तरीके से। एक ये वाले हैं, बाद में करूँगी, और दोनों डिजाइन अलग अलग लेकर के आई हूँ। ये तो है पूरे रेड कलर है पूरा, और एक जो दूसरा है वो आधा रेड और आधा वाइट इस तरीके से है, सीप के हैं। और इनमें मैं क्या करती हूँ, पर इनमें मैं चूड़ियाँ लगा लेती हूँ कांच की। एक जोड़ी ये वाले हैं, बताना कैसे लग रहे हैं। तो इसमें आधा देखिए ये वाइट है और ये रेड है, ये इसमें इस तरीके का डिजाइन है, बहुत प्यारा डिजाइन है, पहनने के बाद बहुत सुंदर लगेगा। देखिए ये दिख रहे हैं, दोनों दिखाती हूँ, देखिए अब बताना मुझे कैसे लग रहे हैं ये दोनों के डिजाइन। ये दोनों मुझे बहुत सुंदर लगे थे, जैसे कहीं आने जाने में जाओ पहनो, तो बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारे लगे थे मुझे, तो मैं ना ये लेकर के आ गई थी अपने लिए, क्योंकि पेटीएम वगैरह होती है और वैसे भी कहीं आना जाना होता है तो अपने डाल जाती हूँ, चूड़ियाँ तो मैं घर में डाल लेती हूँ, और ये थोड़ा मैंने आने जाने के हिसाब से ले लिए थे, घर में भी पहनूंगी तब भी ख़राब नहीं होंगे। तो बताना ये कैसे लग रहे हैं। और हाँ, लड्डू गोपाल जी के लिए उस दिन मैं जिस दिन मैं गई थी पापा जी की माला लेने के लिए, तस्वीर के लिए माला लेने के लिए गई थी पापा जी की फ़ोटो के लिए, तो उस दिन मैंने आपको बताया था सुनार के यहाँ गई थी
अब बहुत पुराने सुनार हैं हमारे मम्मी के टाइम से ही, वहीं से मम्मी सामान वगैरह बनवाती है। अब तो काफ़ी टाइम से कुछ बनवाया भी नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं है, मौका भी नहीं है, फिर इस वजह से थोड़ा नहीं बनवाने का वो मिला है। पर मैं ना जब अभी जून में है ना, जून जुलाई में मैं ये सोच रही थी कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ना इस बार जन्माष्टमी पर हाथों के और गले के बनवाऊंगी, यानी कि चांदी के वो चंदा सूरज आए होती है ना वो, और हाथों के जो छोटे बच्चे नहीं पहनते घूंघट वाले, कड़े जो बोलते हैं, कंगन जो बोलते हैं चांदी के वो वाले। तो मैं सोच रही थी, मैंने दाल चावल बनाने के लिए रखे हैं, तो पहले मैं इन्हें देख लेती हूँ, इन्हें ना थोड़ा कम कर देती हूँ, अब बनते रहेंगे, दाल बन गई, दाल में तड़का लगाऊंगी बाद में। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि मैं ना ये सोच रही थी कि इस बार जन्माष्टमी पे उनके हाथों के लिए चांदी के कंगन घुंघरू वाले मिले। ये कहाँ से मिले हैं? पता नहीं, मिट्टी में जले होते, मैंने उठा दिए थे, मैंने देखा बाहर ही रख दो। तो मैं ये सोच रही थी कि जन्माष्टमी पे उनके लिए चांदी के हाथों के कंगन घुंघरू वाले और गले के बनवाऊंगी, मतलब बनवाएंगे हम। पर इतना मौका नहीं मिला और इतना टाइम भी नहीं मिला, और थोड़ा सिचुएशन भी इस तरीके से थी कि नहीं बनवा पाई थी। तो इस बार है ना, मेरा बहुत मन था कि लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ ना कुछ मैं इस तरीके से चांदी का बनवाऊँ। तो मैं ना उस दिन गई थी ना, तो मैंने हाथों के लिए कंगन देखे थे, वो है ना बने हुए नहीं रखे रहते हैं, कोई लेता कोई नहीं लेता, इसलिए तो वो साइज दे करके बनवाने पड़ते हैं। तो मैं ना साइज दे करके बनवाने के लिए डाल करके आई हूँ, जब भी आएंगे ना तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा मन था कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए चांदी के कंगन वगैरह ये सब कुछ पहनाऊँ। सब कुछ उन्हीं की कृपा से है मेरे पास में, तो मैंने सोचा उनके लिए क्यों ना मैं भी बनवाऊँ। मैंने क्या, उन्होंने खुद अपनी मर्जी से बनवाया है, जब वो हमारे लिए इनकी कृपा से ही सब कुछ है हमारे पास में, इसलिए मैंने उनके लिए बनवाए हैं, बहुत मन था मेरा। तो आज की वीडियो में इतना ही है, पसंद आई हो तो फिर लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, मैंने सोचा आप लोगों को बता देती हूँ पूरी बात, और इसलिए मैंने सोचा चलो बता ही देती हूँ। और तो चलिए यहीं अपनी वीडियो का एंड कर देते हैं, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, मिलते हैं अच्छे से सुंदर से ब्लॉग के साथ में नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।